आज और जी, आज फिर करते हैं हेल्थ की बात। ये क्या है जी? वीट ग्रास, जो मैंने खुद घर पे उगाई है जी। मेरे बेडरूम में ही पड़ी है जी। देखो, ये मेरी बालकनी और ये मेरा वीट ग्रास। आज आपके लिए वीट ग्रास के फायदे बताती हूँ। वीट ग्रास क्या होता है, पहले तो ये जानिए। वीट ग्रास गेहूँ से उगाया जाता है। सीधा गेहूँ को हम बीज देते हैं, इसमें मिट्टी में डाल देते हैं, उसके ज्वारे निकल आते हैं, जिसको हम नवरात्रि में भी बीज बोते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। तो वीट ग्रास के बहुत से फायदे हैं। ये अनेमिक लोगों को खून बनाता है उनकी बॉडी में, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। नेचुरल खून की कमी को दूर करता है। पेट में ऐसे एंजाइम छोड़ता है जिससे डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होती है। कई तरह की पेट की बीमारियां दूर होती हैं, बॉडी की सूजन दूर होती है, वजन कम होता है। इसके 5 6 7 इंच लंबे जितने ये हो चुके हैं, इतने लंबे होने के बाद में उसको थोड़े से पत्ते काट के, जड़ से नहीं काटने, बिल्कुल जड़ से नहीं काटने, ऊपर से 1 1 इंच नीचे से छोड़ के कैंची से जितने आपके हाथ में आ सकें थोड़े से लेने हैं इसके पत्ते काट के, उसको धो के मिक्सर में ग्राइंड करके पीस के पानी डाल के उसका 30 ml जितना पानी इसको पीना है डेली। इसको पीने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, बहुत इसका फ़ायदा है जी। पतला कर देगी, शरीर की सूजन कम कर देगी। नेचुरल है जी ये वीट ग्रास। जिसको नेचुरल वीट ग्रास उगाना नहीं आता या नहीं उगा पाते, वो पाउडर भी ले सकते हैं। मैं ऐसे घर पे उगा के इसका पानी पीती हूँ। सुबह खाली पेट पीना चाहिए 30 ml, बहुत ज़्यादा नहीं पीना, उसके नुकसान भी होते हैं। कोई भी चीज़ जो मेडिसिन नेचुरल होती है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लेते हैं, ताकि आपके बॉडी में अच्छे जो उसके फायदे हैं वो दे सके। किसी भी चीज़ को ओवर ज़्यादा नहीं लेना है। देखो जी, मेरे वीट ग्रास कितने प्यारे, कितने सुंदर निकलते हैं। ऐसे आप भी अपने शरीर के लिए थोड़ी सी मेहनत करो और नेचुरल वीट ग्रास उगाओ। उसके पत्तों को काट के पानी ग्राइंड करके मिक्सी में उसको पीजिए, और इसके ढेरों फायदे हैं। आप गूगल कर लो, डॉक्टर को पूछ लो, नेचुरोपैथी डॉक्टर जो होते हैं और अच्छे से बताते हैं। जितना मुझे पता है, जितनी चीज़ें मुझे पता है मैंने आपको गाइड की, तो ज़रूर ज़रूर अपने घर पे वीट ग्रास ऐसे उगाइए, खिले खिले हरे हरे नेचुरल पत्ते। और आप एक बात ध्यान दीजिए, जितने भी जानवर हैं वो सब क्या खाते हैं? घास। हाथी भी घास खाता है, मोस्टली जितने भी जानवर हैं जंगलों में घास ही खाते हैं। तो घास खाइए, ये आसान भाषा में इसको बोलते हैं हम घास खा रहे हैं। लेकिन इसको ग्रीन पत्तों में बहुत फायदे हैं, बहुत ताकत है जी। इस चीज़ों को नकारा मत कीजिए, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए और अपने घर में उगाइए और इसका पानी निकाल के पीजिए। आपकी हजारों तरह की बीमारियां दूर हो जाएंगी इसको पीने से। और जानकारी के लिए आप गूगल करो, सर्च करो, फिर अपने शरीर के फायदे के लिए। इसमें फुल ऑफ फाइबर मिलता है जी। इसमें फाइबर ही फाइबर आपके पेट में आ जाएगा इसको पीने से, आपका खून बन जाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल मत छोड़िए अपनी ज़िंदगी से, अपनाइए इसको। बहुत लोग अपनाने से डरते हैं, सोचते हैं कैसे उगाएं। बहुत इजी है जी। मिट्टी में बस डालना है और थोड़ा सा पानी डालना है रोज़, और बहुत सुंदर देखो भरपूर निकल आते हैं। और ये भरपूर निकलना एक पॉजिटिव साइन होता है आपके घर पे, आपके घर में बरकत, आपके घर में भगवान आपसे प्रसन्न है, ये उसका जी एक रीज़न भी है। तो जैसे हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो इसी की पूजा करते हैं ना, तो ये अच्छे से उग के आना ये भी बहुत अच्छी बात होती है जितना मुझे पता है। तो ज़रूर मुझे मेरे वीट ग्रास इतने अच्छे उभर के आए, तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके हजारों फायदे बता दिए हैं, तो ज़रूर उगाइए। अब ये कट करके मैं 7 8 दिन में खा लूँगी, तो वापस इसमें नए आ जाएंगे, नहीं तो फिर वापस मिट्टी में नए गेहूं के बीज डाल के वापस से उगाएंगे। तो जैसे जैसे मैं इसका वीडियो भी बना के पीस के जब पीऊँगी सुबह, तो ज़रूर आपके लिए वीडियो भी बना दूँगी। इसका ग्रीन पानी कितना फायदेमंद है, कैसे पीना है, को अपनाओ। थैंक यू वेरी मच जी। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। बाय बाय जी।